नमस्ते आदाब, हेलो, सत श्री अकाल। मेरा नाम है शुभ्रा एंड वेलकम टू माय चैनल ब्रेड एंड ग्रेवी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे बनाएं बिना प्याज और लहसुन के स्वादिष्ट स्प्रिंग रोल्स। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 5 to 6 बीन्स डायगनली कटी हुई, 1 गाजर और आधी कैप्सिकम जूलियंस में, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सोया सॉस, स्वाद अनुसार नमक एंड रिफाइंड ऑयल। अब एक पैन में ऑयल डालें और इसे मीडियम फ्लेम पे हीट कर लें। तेल गरम होने पे कटी हुई कैबेज डालें और उसे सौते करें। ध्यान रहे, हमें कैबेज को ओवर कुक नहीं करना है, उसकी क्रंचनेस बरकरार रहनी चाहिए। अब सोया सॉस डालें और इसे मिला लें। अब ये देखिए, मेरी सोया सॉस पूरी तरह सूख चुकी है। अब एक एक करके अपनी बाकी बची हुई सब्जियां डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिला लें। ध्यान रखें, हमें अपने मिक्सचर को पूरी तरीके से सूखा रखना है। अब इसमें नमक डालें। ध्यान रखें, इसमें हमने सोया सॉस भी डाला था, तो नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल के इसे मिला लें। ठंडा करने के लिए इसे किसी बोल में ट्रांसफर कर लें। ये देखिए कितना कलरफुल और क्रिस्पी मिक्सचर तैयार हुआ है। आप चाहें तो इस मिक्सचर को अपने पराठे बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अपनी स्प्रिंग रोल शीट लें। अगर आप मिनटों में स्प्रिंग रोल शीट बनाने की विधि देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए मेरे लिंक पे क्लिक करें। अगर आप चाहें तो इस शीट को एज इट इज ही यूज कर सकते हैं या फिर आप इसे स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर शेप की शीट्स को कैसे रैप करते हैं वो दिखाऊंगी। पहले मैं दिखाऊंगी हाउ टू रोल अ स्क्वायर शीट। इसके लिए अपनी फिलिंग को एक कॉर्नर पे रख के हल्के हाथों से दबाते हुए दोनों छोरों को अंदर करते हुए हल्के हल्के हाथों से रैप करें और स्लरी लगा के इसे क्लोज करें। यहाँ मैंने स्लरी थोड़े से मैदे में पानी डालकर बनाई है। ये देखिए एक बार फिर कितने आसान तरीके से ये स्प्रिंग रोल्स बाजार जैसे तैयार हो रहे हैं। अब देखिए कैसे सर्कुलर शीट को हम रैप करेंगे। ये डाली हमने अपनी तैयार की हुई स्टफिंग। दोनों तरफ से फोल्ड किया और हल्के हाथों से रोल कर दिया और स्लरी लगा के सील कर दिया।
अब हम अपनी रेक्टेंगुलर शीट को पैटी शेप में रैप करेंगे। इसके लिए चारों कोनों पे अच्छे से स्लरी लगा लें। अब एक कॉर्नर पे अपनी फिलिंग रखें और ट्रायंगलर शेप में फोल्ड कर लें। अब कोनों को दबा के अच्छे से सील कर लें। अब फोल्ड करें और शीट को फाइनली रैप कर दें। एक बार फिर कोनों को दबाकर सील कर लें। ये तैयार है हमारी स्प्रिंग रोल पैटी। आप चाहें तो इसे और टेम्पटिंग बनाने के लिए इसमें चीज़ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने चीज़ बार लिया है जिसे मैंने फिलिंग के साथ ही रैप कर लिया है। अब हमारे स्प्रिंग रोल्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं। अब एक कढ़ाई में ऑयल लें और इसे लो टू मीडियम सेटिंग पे हीट कर लें। गर्म होने पे अपने स्प्रिंग रोल्स इसमें डालें। पूरी तरीके से क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स बनने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। यहाँ मैंने टाइमर लगाकर चेक किया था, मेरे स्प्रिंग रोल्स बनने में 5 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगा था। इक्वल प्राउनिंग के लिए हमें अपने स्प्रिंग रोल्स को बीच बीच में पलटते रहना है। ये देखिए कैसी बाजार जैसी क्रंची स्प्रिंग रोल्स बनकर तैयार हुई हैं। Now your spring rolls are ready to eat. Serve it with coleslaw and enjoy with your loved ones. अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू ऑफर योर कमेंट्स। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें और जुबा पे स्वाद रखें।